weighing 1600 kg is accelerated to 30 meter per second. मतलब कि बाद में उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड तक हो जा रही है, ठीक है? 30 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पे आप ये गलती कर सकते थे, ठीक है? यूनिट से समझिए कि कौन चीज क्या है। फ्रॉम स्टार्ट इन 20 सेकंड, तो मतलब स्टार्ट का मतलब है कि शुरू में रेस्ट में ही होगा। ये यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी था समझना, कि फ्रॉम स्टार्ट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, यहां पे आप कमजोर पड़ सकते थे। बस टाइम ले रहा है 20 सेकंड, कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल मोमेंटम तो हम तुरंत निकाल लेंगे, पीआई इज इक्वल टू एम यू, है ना? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, 1600 इनटू 0, ये तो रुका ही हुआ है, तो 0 केजी मीटर पर सेकंड। यूनिट हमेशा लिखिए, कोई भी टीचर आकर आपके मार्क्स काट सकते हैं। पार्ट ए था ये। अब पार्ट बी क्या कह रहा है? फाइनल मोमेंटम। देखिए भाई, फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। हाँ पता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएफ प्रोविडेंट फंड, एमवी, एम क्या है 1600, वी क्या है 30, तो 16 × 3 = 48, उसके बाद 30 केजी मीटर पर सेकेंड, 48,000 केजी मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल मोमेंटम। अब उसके बाद आ जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं पूछा है, रेट ऑफ चेंज पूछा है। रेट ऑफ चेंज जब करेंगे तो टाइम से डिवाइड करेंगे, और केवल चेंज इन मोमेंटम पूछा जाता तो टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे। तो बस कोई दिक्कत नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है भाई, ये हो जाता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी को अपन टी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा यहां पे? पी एफ माइनस पी आई है कि नहीं, और डेल्टा टी है अपना टी। तो पी एफ कितना हम निकाल चुके हैं, 48,000 निकाल चुके हैं। पी आई कितना निकाले हैं, 0 निकाले हैं। टाइम कितना है, 20 है, ठीक है। 20 इसको काटेगा, 0 0 ये तो है ही नहीं, है ना? तो 4800 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2400। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। तो आप इसे न्यूटन में रिपोर्ट कर सकते हैं, आपकी बुक भी यही कर रही है। ये था अपना पार्ट सी। थोड़ा सा अभी और बचा है। अब आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो भाई ए क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, ये हम लोग सीख चुके हैं। वी क्या है, 30 है, ये क्या है 0 है, टी क्या है 20 है। ए इज इक्वल टू 30/20 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए लास्ट पार्ट में थोड़ा सा मजा है, आप ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। अब काफी बच्चे ये करेंगे कि भाई F इज इक्वल टू एम ए, भाई ए हमने निकाला है, M क्या है 1600 इंटू डेढ़ यानी कि 2400 न्यूटन। लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पार्ट सी में, पार्ट सी में हमने क्या निकाला था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2400 न्यूटन। आप तुरंत ऐसे लिख दीजिए, एफ इज इक्वल टू 2400 न्यूटन, बात खत्म, ठीक है। तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप केवल ये भी छुपा लीजिए पार्ट सी से, ऐसे एरो बना के एफ इज इक्वल टू 2400 न्यूटन इतना लिखाएंगे तो भी कोई आपके मार्क्स नहीं खाते।
बहुत ज्यादा सेफ खेलना हो तो ये कर सकते।